हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन मूवी रिकमेंडर। माय नेम इज हितेश और यहाँ मैं आपको वो मूवीज रिकमेंड करता हूँ जो आपको जरूर देखनी चाहिए, मूवीज दैट कैन नॉट बी सिंपली मिस्ड। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बैस्टन ट्रिलॉजी, विच इज अ स्पैनिश मूवी सीरीज। ये तीन मूवी की सीरीज है और अपने नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोज में मैं तीनों मूवीज कवर करूंगा। आज मैं बात करने वाला हूँ द फर्स्ट मूवी फ्रॉम द ट्रिलॉजी, द इनविजिबल गार्जियन। बिफोर मूविंग इन टू इनविजिबल गार्जियन, दोस्तों आई वॉन्ट टू स्पेंड कपल ऑफ सेकंड्स ऑन द स्पैनिश सिनेमा। स्पैनिश सिनेमा के बारे में अक्सर हम लोग बात करते हैं, हमारे दिमाग में तीन नाम आते हैं। द फर्स्ट वन इज पेनेलोप क्रूज़, द सेकंड इज हावियर बार्डेम, एंड द थर्ड वन इज एंटोनियो बेंदारेस। वैसे तो स्पैनिश सिनेमा इज वेरी ओल्ड, बट इट एक्चुअली गॉट इवॉल्व पोस्ट फ्रैंकोज एरा इन 1975। अभी रिसेंट द बॉडी आई थी, द बॉडी के अलावा द इनविजिबल गेस्ट भी आई थी, उसका भी रीमेक हुआ था हिंदी में। अगर आप लोग वेब सीरीज के फैन है तो आप डैम श्योर कि आप लोगों ने द मनी हाइस्ट के बारे में तो सुना ही होगा। सो स्पैनिश सिनेमा इज कमिंग अप बिग टाइम। आज तक देयर आर 20 स्पैनिश मूवीज व्हिच हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स, जिसमें से चार ने तो ऑस्कर जीता भी है। नाउ कमिंग बैक टू द बैस्टन ट्रिलॉजी, द बैस्टन ट्रिलॉजी इज अ सीरीज ऑफ बुक्स रिटन बाय डोलोरेस रेडोंडो। यू कैन इजीली कंसीडर दिस एज अ फेनोमिनन एंड द बेस्ट एवर क्राइम सीरीज बुक which has came from Spain. Bastion Trilogy की तीन किताबें आई हैं। The first one is The Invisible Guardian, the second one is The Legacy of the Bones, and the third one is Offering to the Storm. और यही तीन नामों से तीन movies भी बनी हुई है। This series is based on Bastion Valley. Bastion Valley is part of Basque Country. Basque Country is at the north of Spain. Movie की शर्त कुछ इस तरह से होती है कि Basque Country में नेवारा है, नेवारा में एक river side पे एक लड़की का murder होता है, जिसे river side में dump कर दिया जाता है, और बहुत ही specific तरीके से उसको dump किया जाता है, उसका पूरी तरह से makeup किया जाता है, उसके बाल सवारे जाते हैं, उसके private parts पे cake रख दिया जाता है। अमाया जो कि इस मूवी की प्रोटैगनिस्ट है, कैन कंसीडर इज द लीड एक्ट्रेस ऑफ द मूवी, को इसका इन्वेस्टिगेशन दिया जाता है। एंड द फर्स्ट टाइम व्हेन शी सॉ दिस पर्टिकुलर बॉडी, और उससे रिजेम्बलेंस एक पता चलता है कि सिमिलर काइंड ऑफ मर्डर हुआ था एलिजोंडो में, तो अमाया को बोला जाता है कि शी हैज टू मूव बैक टू एलिजोंडो। नाउ एलिजोंडो इज अ स्मॉल टाउन वेयर अमाया हैज बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप, एंड शी नेवर वांटेड टू गो बैक होम। अमाया की शादी हो चुकी है, उसका एक हस्बैंड है विच इज ए इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन। व्हेन अमाया कम्स बैक टू एलिजोंडो, एलिजोंडो में उसकी दो बहनें हैं। एक बहन का नाम है रोजारो, जिसके अपने पति के साथ झगड़ा चल रहा है, के पति का नाम है फ्रेडी। दूसरी बहन जो कि बड़ी बहन है, उसका नाम है फ्लोरा, उसका अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो चुका है, जिसका नाम है विक्टर। फ्लोरा और रोजारो दोनों मिलके फैमिली बिजनेस चलाती हैं, जो एक बेकरी का बिजनेस है, और वहां पे सलाजार बेकरी इज ए फेमस बेकरी। अमाया सलाजार है, सलाजार इज द सेकेंड नेम ऑफ अमाया। अमाया इज ब्रॉट अप बाय हर आंट, जिनका नाम है एंग्रासी, और इसलिए वो एंग्रासी के घर पे ही जाती है। नाउ वहां पर एक मर्डर हुआ है, और सीरीज ऑफ मर्डर पहले भी हो चुके हैं। मीडिया ने इस पूरे मर्डर को इस तरह से प्रोजेक्ट किया है कि देयर इज अ गार्जियन ऑफ बैस्टन वैली, उसको लोग सभी बैसा हॉर्न कहते हैं, जो बैस्टन मिथोलॉजी का पार्ट है, एंड ही इज द वन हु इज डूइंग ऑल दिस मर्डर्स। इन बिटवीन ऑल दिस इन्वेस्टिगेशन देयर इज वन मोर गर्ल व्हिच गॉट्स मिसिंग, हुज नेम इज एनी। एनी का भी सिमिलर तरीके से बॉडी डंप होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अमाया को पता चलता है कि एनी का फ्रेडी के साथ अफेयर था, फ्रेडी इज हस्बैंड ऑफ रोजारो, बट अमाया उसको बाहर नहीं आने देती है। इन्वेस्टिगेशन में उसको ये भी पता चलता है कि जिस फ्लोर, जिस आटे से वो केक बना हुआ है, वो आटा सलाजार बेकरी से ही आया हुआ है, जिसको उसकी बड़ी बहन चला रही है। फ्लोरा हेट अमाया लाइक एनीथिंग। Why? Because Flora has always thought कि Amaya has never taken care of her mother. उसका दूसरा एंगल ये भी है क्योंकि अमाया को उसकी माँ ने हमेशा हेट किया बचपन से, सो मच सो दैट कि शी एक्चुअली ट्राइड टू किल अमाया। उसकी माँ का नाम था रोजारियो, बट उसके डैड ने उसको किसी तरह बचाया और उसको एंग्रेसी, जो कि उसकी आंट है, उसके पास दिया, और इसलिए एंग्रेसी अमाया को बचपन से बड़ा करती है। इन सबके बीच में काफी सारी मिथोलॉजीज बाहर निकल के आती है, काफी सुपरस्टिशन बाहर निकल के आते हैं। एंग्रेसी एक्चुअली टोल्ड अमाया कि नहीं, जो बसोहान, जो बीन कंसिडर्ड एज अ गार्जियन ऑफ बैस्टन वैली, इट्स नॉट अ मिथ, इट इज एक्चुअली हिम, और उसने उसको देखा है। डिपार्टमेंट के हेड्स को पता चलता है कि अमाया ने अपनी बेकरी वाली बात छुपाई है, उसने फ्रेडी वाली बात छुपा रखी है, तो अमाया को इस इन्वेस्टिगेशन से अलग कर दिया जाता है। और दूसरा एक इन्वेस्टिगेटर होता है मोंटेस, मोंटेस को इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। जब मोंटेस इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, इन्वेस्टिगेशन करते करते एंड में वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पे ही फाइंड्स लॉट्स ऑफ स्कल्स, इवन अ स्कल ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। और इन पैरेलल जब अमाया जब इन्वेस्टिगेशन से हट जाती है, और व्हेन शी अल्टीमेटली गोज बैक टू मीट हर मदर इन द हॉस्पिटल, वहां माँ उस पर फिर से अटैक करने की कोशिश करती है, दो वो बंधी हुई रहती है। और डॉक्टर अमाया को समझाता है कि शी इज अ साइकोपैथ, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने एक नर्स पे भी अटैक किया था, इवन शी बाइट हर, शी ट्राई टू ईट हर,
और वो उसको अटैक करते समय पूरे टाइम अमाया का नाम ले रही है। उसके साथ वो ये भी बताता है अमाया को कि आपका जो ब्रदर इन लॉ है विक्टर, ही ऑलवेज कम्स एंड टू मीट योर मदर। अब ये सारी चीजों को जोड़ते हुए अमाया निकल पड़ती है विक्टर से मिलने के लिए। इन बिटवीन उसकी कार पलट जाती है एंड जब उसको होश आता है तो शी एक्चुअली सी अ फिगर जिसको फॉलो करते हुए जब जाती है तो एक अजीब से घर पे पहुंचती है और उस घर पे ही सारा क्लाइमेक्स का सीन होता है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द क्लाइमेक्स, बट वहां पे स्टोरी अपने एंड पे अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच रही होती है और क्ले ये जो केस होता है ये क्लोजर की तरफ पहुंचता है। एट द एंड अमाया क्लोजेज दिस केस, शी एक्चुअली फिगर्ड आउट कि किसने ये सारे मर्डर्स किए हैं, क्यों मर्डर किए हैं, उसके पीछे रीजन क्या था। बट ये मूवी सारे आंसर्स नहीं देती है एंड दैट इज वाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ट्रिलॉजी। इस मूवी में बहुत बड़ा एंगल सुपरस्टिशन का आता है, मैजिक मिथोलॉजी का आता है और उसके अलावा सुपरनेचुरल पावर्स का आता है और इन सब के बीच में एक रियलिज्म की एक लेयर आती है कि आप उससे हटके कि रियलिज्म की लेयर पे कैसे चल रहे होते हैं। कई दफा ऐसा लगता है कि ये एक रिचुअलिस्टिक मर्डर्स हो रहे हैं, किसी रिचुअल के चलते हो रहे हो। कई बार ऐसा लगता है कि ये साइकोपैथ किलर है जो रेप कर रहा है और मर्डर कर रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन बिकॉज ऑफ ऑल दिस मर्डर्स आर हैपनिंग, व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई दिस इज रिलेटेड टू बास्टन वैली, ये सारी चीजें धीरे धीरे रिवील होती हैं आगे के पार्ट्स में। बट व्हाट मेक दिस मूवी सो ब्रिलियंट, देयर फोर रीजन। द फर्स्ट रीजन इज दिस इज वेरी वेरी विजुअली कंपेलिंग मूवी। द सेकंड रीजन इज द नैरेटिव डिटेल्स, द वे द मूवी हैज बीन रिटन। दो मुझे लगता है कि थोड़ी स्ट्रेस थी, ये 15-20 मिनट छोटी हो सकती थी, बट स्टिल द डिटेलिंग इज वेरी वेल कैप्चर्ड। द थर्ड थिंग, दिस मूवी कीप यू ऑन योर टोज, ऑलवेज गेसिंग व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, व्हाई दिस इज हैपनिंग। एंड द फोर्थ थिंग, फोर्थ रीजन, दिस इज अ रियली गुड सस्पेंस क्राइम थ्रिलर जहाँ पर मिथोलॉजी, सुपरस्टिशन, रियलिज्म ये तीनों का बैलेंस बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया हुआ है। मैटर ऑफ फैक्ट बेस्टन वैली की प्योरिटी को मेंटेन करना भी एक मैसेज निकल के आता है इस मूवी के दौरान। इफ आई टू पुट दिस मूवी इन वन ऑफ माई कैटेगरीज ऑफ मस्ट वॉच, शुड वॉच और कैन वॉच, आई वुड से दिस इज नॉट अ परफेक्ट मूवी। देर आर लॉट्स ऑफ शॉर्ट कमिंग्स इन द मूवी, मूवी थोड़ी कम हो सकती थी, काफी सारे क्वेश्चन है जिनके आंसर दिए जा सकते थे। दैट्स वाई इट इज नॉट अ मस्ट वॉच एंड शुड वॉच, बट इट फॉल्स अंडर माई कैन वॉच कैटेगरी। बट फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि जब ही आप मूवी देखेंगे तभी आप सेकेंड और थर्ड मूवी को भी अप्रिशिएट कर पाएंगे। दिस मूवी इज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। कैन दिस मूवी बी वॉच्ड विद योर चिल्ड्रन? नो, दिस मूवी इज स्ट्रिक्टली 18+। आई वॉन्टेड टू डिस्कस द एंडिंग ऑफ दिस मूवी बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट इन दिस वीडियो, अदरवाइज वो स्पॉयलर्स आ जाएंगे काफी सारे। इस मूवी के एंडिंग को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, वेर आई विल बी कैप्चरिंग द सेकंड मूवी ऑफ द सीरीज, द लीगेसी ऑफ द बोन्स। सो प्लीज गो एंड वॉच दिस मूवी एंड लेट्स कनेक्ट बैक अगेन इन द डिस्कशन ऑफ द लीगेसी ऑफ द बोन्स। दोस्तों आई होप आपको ये रिकमेंडेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और इस ऐसे ही रिकमेंडेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रिकमेंडेशन में, तब तक कीप वॉचिंग मूवीज बट गुड मूवीज। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।